हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू तो इन एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर तो इस चैप्टर का आज हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो नाउर फर्स्ट ऑफ ऑल हियर गिवेन मैचिंग वर्ड्स डू इट योर सेल्फ पर मैच दिंग टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस तो यहां पर देखो दो पार्ट है ए और कॉलम बी तो यहां पर मैच करना है ऑलरेडी आई हैव सॉल्व दिस वन तो आपको केवल देखना है और इसी तरह से आपको सॉल्व करना है तो नाउ देर वर टू शॉप इन दिटी दी बेबी क्राइड वेन ही शॉ दी फ्राउन सी नो वन वेंट टू दी स्वीट शॉप डी नंबर में क्या होगा दी बुक शॉप हैड पेंट ब्रशेस ई दॉपकीपर ऑफ द बुक शॉप वॉज ए स्माइलिंग मैन तो इस तरह से ये मैचिंग वर्ड आपका हो गया मैचिंग मैच match करने से आपका ये कम्प्लीट सेंटेंस बना यहां मैच करना है और इसके बाद आप चाहे तो इसे कॉपी में भी लिख सकते हो तो जब आप कॉपी में लिखेंगे फेयर कॉपी में तो आप एक साथ कैसे लिखेंगे जैसे कॉलम ए का यहां पर है तो देर व इसके बाद आप इसको लिखेंगे वेन टू शॉप इन दिटी ये एक लाइन में आप कॉपी में लिखेंगे फेयर कॉपी में ओके okay? तो इस तरह से सभी आप लिख लेंगे और नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं ये बुक में आप सॉल्व कर लेंगे आपको जैसा इंस्ट्रक्शन आपको दी जाएगी आपके टीचर के द्वारा स्कूल में वैसे आपको काम करना है ओके नाउ नेक्स्ट वन सी हेयर फॉलोइंग क्वेश्चन तो यहां पर आपको इन क्वेश्चन का आंसर लिखना है ऑलरेडी आई हैव सॉल्व दिस वन तो आपको मैं बताता हूं कि कैसे आप इसका क्वेश्चन लिखोगे ओके डियर चिल्ड्रेन नाउ फर्स्ट वन इज दैट कि हाउ मेनी शॉप्स वेर तो यानी कितने शॉप्स थे कितने दुकान थे दो दुकानें थी ना आपको मैं आंसर भी दिखाता हूं आपकी बुक में आपको कहां पर आपको मिलेगा देखो यहां पर है ना देअ वर टू शॉप्स तो आपको करना क्या है यहां पर स्मॉल लेटर से स्टार्ट है आपको केवल यहां पर कैपिटल लेटर लिखना है टी कैपिटल होगा यहां पर ओके okay? और आप सेम टू सेम इसको अपनी कॉपी में आंसर में लिखेंगे देर वर टू शॉप तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या है हु अ स्माइलिंग मैन यानी कि स्माइलिंग मैन कौन था तो इसका आंसर क्या होगा ना यू कैन सी यर आंसर आपको यहां से लिखना है दी शॉपकीपर ऑफ द बुक शॉप वॉज अ स्माइलिंग मैन ये बी का आंसर हो गया नाउ सी द सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर सी वाई डिड नो वन कम टू द स्वीट शॉप यानी कि स्वीट शॉप में कोई क्यों नहीं आता था इसका आंसर आपको यहां मिलेगा नेक्स्ट पेज में यहां पर पेज नंबर 87 में तो यहां पर सी का आंसर मैंने अंडरलाइन कर दिया आपको केवल लिखना है क्या है आंसर आपको अंडरलाइन आपको दिख रहा है ना यहां से आपको लिखना है शॉपकीपर ऑफ द स्वीट शॉप वॉज अ फ्राउनिंग मैन शो नो वन केम टू हिज शॉप क्योंकि शॉपकीपर का फेस कैसा था फ्राउनिंग मैन था डरा हुआ था गुस्सा वाला चेहरा था इसीलिए उसके दुकान पर कोई नहीं आते थे ये क्वेश्चन नंबर सी का आंसर नाव सीधा क्वेश्चन नंबर डी ना क्वेश्चन नंबर डी विच शॉप शोल लॉलीपॉप एंड केक्स तो कौन से दुकान में लॉलीपॉप बिकता था नाओ सीधा आंसर ना आंसर देखे सीधा आंसर इसी पेज में फर्स्ट पेज में ही इसका आंसर दिया गया है लेकिन आपको सेंटेंस बना के लिखना होगा ओके यहाँ देखिए द स्वीट शॉप हैड बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स मेनी टाइप्स ऑफ केक्स एंड जार ऑफ लॉलीपॉप तो कौन से दुकान में लॉलीपॉप था आपको दी स्वीट शॉप में स्वीट शॉप में था अब आपको इसका आंसर आप अब लिखो कैसे तो इसे मैं आपको दिखा रहा हूं ओके ना सी ये देखिए आपके लिए मैंने आपको लिखा है ना आंसर यहां पर तो आपको क्या लिखना है दी स्वीट शॉप सोल्ड लॉलीपॉप एंड केक्स तो ऐसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट है डिड दी वुमेन टेक फ्रॉम द स्वीट शॉप यानी एक जो महिला थी ना वुमेन उसने स्वीट शॉप से क्या खरीदा तो क्या खरीदा इसका आंसर मैं आपको बुक में भी दिखाता हूं बुक में देखिए इसी पेज में देखो यहाँ पर व्हाट हैज रिटेन वन वुमेन केम बैक एंड टूक बॉक्स ऑफ लॉलीपॉप यानी उस महिला ने क्या खरीदा लॉलीपॉप खरीदा आप एंसर कैसे लिखोगे एंसर देखो ऐसे लिखना आपको आपको लिखना है दुमन टूक अ बॉक्स ऑफ लॉली पॉप फ्रॉम द स्वीट शॉप ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन एंसर फिनिश हो गया कहाँ तक का टू का है ना क्वेश्चन नंबर टू तक अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी बच्चों आपके लिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन बताऊंगा ओके तो इसमें आप लोग दिख लेंगे इतना